अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। अभी हमारी सुबह हुई है, वो भी पार्सल वाला आ गया था, ये पार्सल मंगवाया था, तो अभी अभी हुई है हमारी सुबह। बुरहान पानी गिर जाएगा। तो देखो मैं ये पार्सल में क्या आया, मैंने मंगवाया था बेसिकली, तो मैं चेक करती हूँ। सो दिस इज द क्लॉथ्स। मामा को तो देखने दें। बुरहान ओके, सो मेनी डेकोरेशन। किन वाले पार्सल में ना ये नोट निकला है, फिर तो पढ़ने तो दो मम्मा को। जी तो कमरा तो हो गया है साफ, और ये बच्चों के खिलौने हैं जो कि पड़े ही रहेंगे, और बुरहान का अभी अभी मैंने पैम्पर चेंज करवाया है, अब शब बनाने जा रही हूँ, और ये रवि का खेल रही है यहाँ पे बैठ के। और अजहर के लिए मैंने बनाई है फ्रूट चाट। बुरहान तो बुरहान का मैंने शॉर्ट पहना दिया है, और रवि का तो पहनी नहीं है पहले से ही, और इससे ज़्यादा ये कपड़े चेंज करने नहीं है क्योंकि आज इनको बहुत रोना आ रहा है ना। और जो मैंने रबीका के लिए और अजहर और बुरहान के लिए बनाई है फ्रूट चाट, वो मैं जा रही हूँ फ्रिज में रखने। फिर मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। और बच्चे तो देख रहे हैं कार्टून, तो मैंने सोचा कि मैं भी तैयार हो जाती हूँ थोड़ा सा। और अजहर आ गए इतनी देर में, मैं कैसे तैयार हूँ। अजहर आ गए, कुछ नहीं बोल रही, व्लॉग बना रही थी बस। ये देखिए कैसी बैटरी चार्ज हुई है दोनों की। अस्सलाम वालेकुम, जय जोजो, जय जोजो, जय जय। ये तो मेरा बेटा है पाशा, और ये मेरी बेटी है प्यारी सी गन्नी। बोलो जबान मारने डालती हूँ गन्नी बच्ची, ऐसे उठा ले मैं नहीं तोड़ दूँगा। मैंने पकड़ा हुआ है। कॉकटेल लाए आप? कॉकटेल मैंने कहा था ना फ्रूट चाट में डालने के लिए। मुझे तो अंदर आने दीजिए। और हमेशा की तरह ये इंसान, मैंने कहा था कॉकटेल लेके आइएगा फ्रूट चाट में डालूंगी, सिर्फ केले और सेब थे, तो मैंने कहा चाट अच्छी नहीं लगती कॉकटेल डाल दूंगा। और ये जो है ये भूल गए कॉकटेल लाना, और हमेशा ये ला कुछ जो मेरा काम होता ना ये हमेशा भूल जाते हैं। अगर नहीं भूलते आप बोलते हैं, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो बोले आप क्या बोलना चाह रहे हैं। I'm not interested in any kind of vlog, okay? व्लॉग नहीं पूछ रही हूँ, मैं अपनी बात बोल रही हूँ। ये जब कुछ भूल जाते हैं ना तो ये ऐसे नहीं, मैं सामने पूछूंगी। इसमें जालिम की बात कहाँ से आ गई, इनका दिमाग ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही चलता है। अच्छा इधर नहीं आए आईता। बुरहान, ए बुरहान, डैड डैड, वेयर इज योर डैडी बुरहान डैड। अगर इसकी डैड D-A-D, Dad, Burhan. Oh, okay, मेरी चाबी। Bye bye, Burhan. बाहर ज्यादा टाइम नहीं देखता। और अजहर गए थे बुरहान के साथ बाहर समोसे लेने के लिए, कॉकटेल लेने के लिए, पापड़ लेने, टॉप ऑफ लेने के लिए,
तो फिर हमने इसको खाया और टॉपअप से ना मुझे बचपन की याद आ जाती थी, बचपन में बहुत खाते थे और वो फीके टॉपअप चले गए हैं मेडिकल और बुरहान कोरोना बंद नहीं हो रहा क्योंकि इनको के चले गए। हां हां मुझे लेने के खाया। ओ मेरा मुन्ना, ओ मेरा मुन्ना, कौवा अम्मा का बेटा बुरहान। ओ मम्मा तो वीडियो बना रही है। देखो 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 क्या बोला है। यही गंदे बच्चे इधर आए। ये ना मैं इसमें मैंने इसको पैम्पर चेंज करवाया था, उसके बाद ये चड्डी नहीं पहन रहा और इस तरह से अपने निक्कर को ना इधर उधर इधर उधर करने में लगा पड़ा हुआ है। तो बच्चे उड़ गए थे, तो बच्चे उड़ गए थे और वही कार्टून देख रहे थे क्योंकि अगर ये कार्टून नहीं देखेंगे ना तो ये मेरा दिमाग ऐसा चाटते हैं, इतना दिमाग ख़राब करते कि मैं कुछ भी नहीं कर पाती। कहते बस अम्मा बैठी थी हमारे सामने। और रविका इधर आए। ये देखिए मैं किचन में गई भी थी काम करने के लिए और इन दोनों ने कमरे का क्या हाल किया है, टिशू फाड़ के पूरे कमरे में टिशू टिशू हो गए। देख रहे हैं आप कमरे को, ये कमरा जो है ना कभी भी साफ नहीं रह सकता। फीडर कहाँ फेंकी हुई है, अपने कपड़े कहाँ फेंके हुए हैं और अब जाके दरवाजे के पीछे बैठ गई हैं। रबीका इधर आए, रबीका इधर आए, इधर आए, इधर मम्मा के पास। रबीका इधर आए मम्मा पास। नहीं आ रही, ये जब कोई भी ऐसी शरारत करती है ना तो फिर इनकी हरकतें ऐसे ही हो जाती हैं। इधर आ जाए मम्मा के पास, बताओ अभी। रबीका, रबीका मम्मा की बात नहीं सुन रही हो, जाओ मैं बात नहीं कर रही अब। पता नहीं क्या कर रही है, बैल लेट के पता नहीं क्या क्या बोले जा रही है। रबीका इधर आए, रबीका मैं मारूंगी आपको फिर। इधर आए मम्मा के पास, मम्मा की बात सुने, इधर आए। नहीं आ रही आप। बुरहान तो सो गया है, मैं बुरहान की नेल्स कट करूंगी, बहुत गंदे हो रहे नेल्स, मैं नेल्स कट करती हूँ बुरहान के। पहले इसने वहाँ पे पानी की बोतल फेंकी और अभी खुद ही जाके उसमें से पानी पी रही है। रबीका हाँ जी, तो मैंने खाना पका लिया, उसके बाद जो है मैं कमरे में आ गई हूँ और एज़ यूजुअल ये लोग देख रहे हैं टीवी और रबीका मेरे पीछे खड़ी हुई है। रबीका सामने आए, इधर आए, इधर इधर आए, इधर 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 इधर, ये देखिए ये रही रबीका और अभी मैं इन लोगों को खाना खिलाऊंगी, ठीक है, फिर अज़र आएंगे और हम सो जाएंगे। तो आज का व्लॉग मैं यहीं कर रही हूँ एंड, फिर आप लोगों को मिलेंगे कल इंशाल्लाह अस्सौजल।